हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग कवर करेंगे जो न्यूजीलैंड बास्केटबॉल लीग का मैच होने वाला है अभी फ्रैंकलिन बुल्स वर्सेस वेलिंगटन सेंट्स के बीच में। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल को गाइस आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। और राइट साइड में नीचे जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस ज़रूर करना है, क्योंकि जो कुछ मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा उसमें आपको मिलेंगे स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, लाइनअप और इंजरी न्यूज़, ये सारे डिटेल मेरे YouTube के वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको, और जैसे मैंने कहा कि राइट साइड में जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस ज़रूर करना है, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले जैसे ही मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा। सेकेंड चीज़ आपको बता दूँ गाइज, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है रोहित द हिटमैन ड्रीम इलेवन, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हो। लाइनअप में कुछ चेंजेस होंगे लास्ट मिनट में, या कोई इंजरी रिपोर्ट आएगी प्लेयर्स के बारे में, सारे चेंजेस अपडेट में टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन ड्रीम इलेवन में आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आइए देखते हैं लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रैंकलिन बुल्स, सबसे पहले देखते हैं स्टार्टिंग लाइनअप में कौन कौन थे। एम अयोल, डी ब्रुक, डेविडसन, जेरान, थॉमसन, और बेंच से खेले थे डनस्टन, एस्टोपे, फी, लुली, नुनांग और लास्ट में है विल्की। तो गाइस सबसे पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, जो ये टीम के मेन सेंटर है गैलोवे, वो लास्ट मैच नहीं खेले थे इंजरी के कारण। अगर वो इस मैच में खेलते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उसके रिलेटेड अपडेट दे दूंगा, ठीक है। लास्ट मैच वो खेले नहीं थे इंजरी के कारण, मोस्ट प्रोबेबली ये मैच भी वो मिस कर सकते हैं अगर इनकेस खेलते हैं तो, जैसे मैंने कहा कि टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। परफॉर्मेंस देखते हैं लास्ट मैच का, 11985 से लॉस की थी फ्रैंकलिन बुल्स। टॉप स्कोरर थे डेविडसन, 24 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड्स, 2 असिस्ट, 36 मिनट्स खेले थे। डी ब्रुक 20 पॉइंट्स, 8 रिबाउंड, 4 असिस्ट, 32 मिनट्स खेले थे। जेरान 14 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 3 असिस्ट, 30 मिनट्स। अयोल 10 पॉइंट्स, 6 रिबाउंड, 28 मिनट्स। एस्तोपे 8 पॉइंट्स, 9 रिबाउंड, 12 मिनट्स। जे थॉमसन 5 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 21 मिनट्स। निकोलस फी 2 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 19 मिनट्स। नुनांग 2 पॉइंट्स, 2 असिस्ट, 16 मिनट। डनस्टन 2 रिबाउंड, 11 मिनट, ठीक है। तो ये स्कोर कार्ड था फ्रैंकलिन बुल्स के लिए। वेलिंगटन सेंट्स की बात करेंगे, स्टार्टिंग लाइनअप में थे प्रिस्टर, रोच, सैमुअल, स्मिथ मिलनर, टफिन, बेंच से खेले थे वगैफा, गोल्ड, हेनरी, मैकलिन, मिलर जोस, बाद में है मिटा और लास्ट में है के रॉबिनसन। तो ये स्कॉर था वेलिंगटन सेंट्स का। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, 10285 से वेलिंगटन सेंट ने आसानी से विन किया था ये मैच भी। 99.99% वेलिंगटन सेंट से विन करेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है। टॉप स्कोरर थे रोज, 27 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, 4 असिस्ट, 35 मिनट खेले थे। सैमुअल देख सकते हो 23 पॉइंट्स, 5 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 28 मिनट्स में। डियान प्रूस्टर 13 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड्स, 5 असिस्ट, 29 मिनट्स। टॉमी स्मिथ मिलनर 12 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 28 मिनट खेले थे। मैकलिन 10 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, 17 मिनट खेले थे। टफिन देख सकते हो 8 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 30 मिनट्स। हेनरी 7 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, 4 असिस्ट, 24 मिनट्स। बाद में है गोल्ड 2 पॉइंट्स, 2 मिनट में, ठीक है। और ये बाकी जो बेंच प्लेयर है, जो गार्बेज टाइम बचता है लास्ट में मैच 1-0 होने के बाद, तो ये प्लेयर आके खेले थे 4 1 1 2 2 में, ठीक है। कुछ कंट्रीब्यूशन किसी ने ज़्यादा किया नहीं था अपने टीम के लिए। तो सीधा मैं अभी आपको जो प्रोबेबल टीम का कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट गार्ड सेक्शन से आपके लिए अवेलेबल ऑप्शन कौन होंगे। मैंने यहाँ से पिक किया है टीम मैकलिन, निकोलस फी आपको यहाँ से अच्छा ऑप्शन है, और जे थॉमसन जो आपको स्टार्ट करते हुए दिखेंगे। शूटिंग गार्ड सेक्शन से मैंने पिक किया है मिलनर को, सबसे बेस्ट पिक होने वाले आपके लिए, ठीक है। हेनरी आपको बेंच से खेलते हुए दिखेंगे, अगर आप डिफरेंशियल कुछ ट्राई करना चाहते हो तो हेनरी को अपने टीम में रख सकते हो, ठीक है। ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना हेनरी को। एसएफ सेक्शन से बाय डिफॉल्ट ये तीनों को आपको अपने टीम में रखना ही है, केमर रोच, सैमुअल और डेविडसन, ठीक है। बाकी कोई अच्छा ऑप्शन यहाँ से आपको दिखेंगे नहीं। बाद में है पीएफ सेक्शन, पावर फॉरवर्ड सेक्शन से प्रिस्टर मस्ट पिक है, अयोल मस्ट पिक है आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्की अगर लेना रहेगा, ग्रैंड लीग खेल रहे हो आप, तो अयोल को ड्रॉप कर सकते हो, यहाँ पे आप टफिन को ज़रूर ट्राई कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, ठीक है। एस्तोपी भी आपसे बढ़िया ऑप्शन है, लास्ट मैच में देख सकते हो उसको ज़्यादा टाइम मिला था, 8 पॉइंट्स, 9 रिबाउंड समथिंग कुछ स्कोर किया था, देख सकते हो आप 8 पॉइंट्स और 9 रिबाउंड्स। तो एस्तोपे लेकिन ये जो अभी चेंज मैं आपको बता रहा हूँ ये ग्रैंड लीग में आपको ट्राई करना है, स्मॉल लीग के लिए ये सेफ जैसे मैंने ऑलरेडी बताया डेविडसन और यहाँ से प्रिस्टर अयोल। सेंटर सेक्शन से डी ब्रुक को मैंने पिक किया है, गैलोवे मेन प्लेयर है गाइज। परफॉर्मेंस इसका आपको बता दूँ, बहुत बढ़िया प्लेयर है, देख सकते हो 33, 34, 56, 50। तो इसका अगर कोई रिपोर्ट आता है, अगर ये खेलने वाला होता है, तो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास और एक बेस्ट पिक रहेगा जेरान करके आपको दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। इनकेस अगर आप यहाँ से डेविडसन को ड्रॉप करना चाहते हो
तो यहाँ पे अयोल ड्रॉप करके आप जेरान को अपने टीम में रख सकते हो और 7.5 से आप डेविडसन को ले सकते हो, मतलब अयोल या फिर जेरन। तो जेरन बहुत ज़्यादा रिस्की है, मतलब बहुत ज़्यादा सेफ खेलना है तो स्मॉल लीग में आयोल के साथ ही आपको जाना बेटर रहेगा। अगर आप एसपी और पीपी का ऑप्शन देखिए तो एसपी के लिए आज के मैच के लिए सेफ पिक आपको होने वाला है केमर रोच। पीपी के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ब्रूक आपको दिखेंगे यहाँ से, टॉमिस मिलनर आपको दिखेंगे, ड्यूएन प्रूस्टर आपको दिखेंगे और सैमुअल आपको दिखेंगे। ठीक है, सबसे सेफ पिक का अगर बात करेंगे हम लोग तो प्रूस्टर और ब्रूक आपको मिलेंगे। ठीक है, ग्रैंड लीग में अगर आप एसपी पे रोटेट करना चाहते हो ज़रूर कर लेना, मिलनर और सैमुअल को भी आपको एसपी पे ट्राई करना है। ठीक है, मिलनर को आप एसपी ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में और पीपी रोज कर सकते हो। सैमुअल को कुछ किया नहीं तो भी चलेगा, लेकिन ग्रैंड लीग में अगर आप खेल रहे हो तो ये कॉम्बिनेशन के साथ ज़रूर जाना, मिलनर केमर रोच क्रिस्टर और ब्रूक को आपको रोटेट करना है सिर्फ। ठीक है, अपने टीम में तो ये मेरी टीम रहेगी प्रोबेबल बिफोर द लाइनअप। अगर कोई न्यूज़ आता है गैलोवे के बारे में तो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के स्टैट्स के बारे में। सो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, डू योर बेस्ट एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।